कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट से बहुत ही स्वादिष्ट पेड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 रुपए वाली 4 ओरियो बिस्किट ले ली है। तो अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें हम बिस्किट को तोड़कर डाल देंगे। तो सभी बिस्किट को हमने तोड़कर इसमें डाल दिया है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए इसे हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बिस्किट भी मीठी होती है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसे हमने मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे हम गूंद लेंगे। आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी डालकर गूंद सकते हैं। तो देखिए इसे हमने गूंद लिया है। अब हम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। हाथ में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और इस तरह से पेड़े बना लेंगे। और इस तरह से थोड़ा चिकता कर देंगे और अंगूठे से थोड़ा इस तरह से दबा देंगे। अब इसके ऊपर हम एक बादाम डाल देंगे इस तरह से। इसी तरह हम सभी पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब ओरियो बिस्किट के पेड़े बनकर तैयार है। तो आप भी अपने घर पर इस तरह से पेड़े बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।